यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधे, ना कि लोगों से या फिर चीजों से। सुप्रभात, यह है आज का विचार। आइए अब डालते हैं न्यूज बुलेटिन की खास हेडलाइंस पर एक नजर। यदि चुनाव में नवरत्न 3% ज्यादा सर्विस वोटरों को मिले मतपत्र, जी हाँ, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। चुनाव में मतगणना वाले स्कूल कॉलेजों में 8 दिसंबर को रहेगा अवकाश। जी हाँ, जिन स्कूलों और कॉलेजों में मतगणना होगी उन स्कूलों में 8 दिसंबर को अवकाश रहेगा। पूरी खबर ये भी आपके साथ साझा की जाएगी। कुल्लू मनाली को जाने के लिए देने पड़ेंगे ज्यादा पैसे, जी हाँ, क्या है पूरी खबर, पूरी जानकारी आपके साथ ये भी साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSB न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश में साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 2022 में 9.3% सर्विस वोटरों को ज्यादा मतपत्र जारी किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 59,742 सर्विस वोटरों को दिए गए मतपत्र जो है वो दिए गए हैं। साल 2017 में 54,626 मतपत्र जारी किए गए थे। अब देखना ये होगा कि सर्विस वोटरों का मतदान प्रतिशत इस बार अधिक रहता है या फिर कम। राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्य बिजली बोर्ड के करीब 361 करोड़ रुपए के बिजली बिल अभी भी पेंडिंग है। अक्टूबर 2022 तक हजारों उपभोक्ताओं ने बिजली बिलों की अदायगी नहीं की है। अब बोर्ड प्रबंधन ने वसूली के लिए डिफॉल्टरों को नोटिस जारी करने का फैसला लिया है। 15 दिन के बाद भी बिलों का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिए जाएंगे। सप्ताह में एक दिन छोड़कर कुल्लू और धर्मशाला के लिए हवाई उड़ान होगी। 9 दिसंबर को दिल्ली से शिमला और फिर कुल्लू के लिए हवाई जहाज उड़ान जो है वो भरेगा। 10 दिसंबर को दिल्ली से शिमला और शिमला से धर्मशाला के लोगों को हवाई सेवा सुविधा मिलनी आरंभ हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के युवा उत्सव की नृत्य प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार को मंडी के संस्कृति सदर कंगनीधार में हुआ। 3 दिवसीय युवा उत्सव का शुभारंभ सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देवदत्त शर्मा ने किया। पहले दिन हिमाचल के विभिन्न जिलों के लोक नृत्यों की झलक देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना वाले स्कूलों और कॉलेजों में 8 दिसंबर को अवकाश रहेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को जरूरत के अनुसार ऐसे स्कूलों को बंद रखने का फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को तलब किया है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव को आदेश दिए गए हैं कि वह 8 दिसंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। कुल्लू मनाली जा रहे लोगों को अब ज्यादा टोल भरना होगा। रास्ते में पड़ने वाले डुहलू नाला टोल प्लाजा को पार करना जो है और महंगा हो गया है। अब इस टोल प्लाजा को पार करने के लिए छोटे वाहनों को अब 35 की जगह 75 रुपए देने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कुल्लू मनाली NH3 पर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड ने टोल की दरें जो है वो बढ़ा दी है। हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए लाहौल स्पीति प्रशासन एवं निर्वाचन विभाग ने तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लाहौल स्पीति सुमित खिमटा ने कहा कि लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के मतों की 8 दिसंबर को जिला कुल्लू के जनजाति भवन भूंतर में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल के जिला हमीरपुर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी बेहतर सेवाएं देने के लिए अमरनाथ शर्मा को ICMLS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिलेगा। भारतीय चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान परिसंघ की ओर से इसकी घोषणा की गई है। देशभर के 4 ऐसे स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल के IG उत्पल दत्त प्रसाद ने 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को नालागढ़ कॉलेज में मतगणना स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी महेंद्र पाल, SP बद्दी मोहित चावला के साथ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और मतगणना को लेकर हर प्रकार की तैयारियों का जायजा लिया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज सुपर भारत के साथ। भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत।
या उभरता भारत, हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।